वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास टेंथ का पाठ वन है। सूरदास द्वारा रचित पद हम लोग कल पढ़ रहे थे, तो इसमें पहला पद हम आप लोगों को बता दिए थे, सूरदास के बारे में भी बताए थे। अब यहाँ हम लोग ये दूसरा पद जो है और तीसरा पद पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ क्या होता है, गोपियाँ कृष्ण को चाहती हैं, कृष्ण से मिलने की उनके मन में आस है, और इधर कृष्ण का संदेश जाता है उद्धव के द्वारा, तो उस संदेश को सुन करके गोपियाँ क्या कहती हैं। सबसे पहले तो उद्धव ये संदेश ये लेकर के जाते हैं कि आप योग साधना में रहिए, योग साधना कीजिए, तो इस पे गोपियों का क्या असर होता है। गोपियां क्या कहती हैं, मन की मन ही माझ रही। अब ये गोपियों को जो मिलने की आस रहती है कृष्ण से, वो मन में ही रह जाती है, वो अपने आस को मन में ही दबाए रह जाती हैं। कैसे, मन की मन ही माज रही, अपने मन की व्यथा अपने मन में ही रख लेती हैं। कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कहीं। यहाँ गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उधव, तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो, किंतु हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन में कृष्ण प्रेम की कई परतें बैठ गई है। कहिए जाए कौन पे उधो, तुम कहते रहो उधो, तुम कहते रहो, लेकिन ना ही परत कहीं। हमारे हमारे मन में जो प्रेम की परत है वो एक नहीं है, वो कई परतें हैं, इसलिए हम उनको कभी नहीं छोड़ सकते। हम उनके प्रेम में लीन रहेंगे, हम उनके प्रेम में मग्न रहेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियाँ क्या कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारे आने की आस जो है वो मेरे मन में ही रह गई, और तुम उसको नहीं समझ सके। हम अपने तन मन की व्यथा को भी नहीं कह सके, तन मन व्यथा सही। यहाँ अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही। यहाँ क्या हो रहा है कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म संदेश को सुन करके, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने से ही क्या होगा, हम कृष्ण से मिलने की आशा में समय गवाए हैं, और हमें लग रहा है कि अब ये हमारा समय भी क्या हो रहा है, समय हमारा नष्ट हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही, हम उस बिरह वेदना को सह रहे हैं, उस समय को बिता रहे हैं। चाहति हुति गुहार ही तही तय उतते धार बही। यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे तन मन में बिरह की आग, हमारा तन मन जो है वो बिरह की आग सह रहा है, और तुम्हारे उपदेश को सुनकर हम बिरह की अग्नि में और अधिक जल उठे हैं, क्योंकि हमने कृष्ण प्रेम को न त्यागने का पक्का इरादा कर लिया है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जादा न लही। क्या कहती हैं कि सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास अब धीर धरही क्यों। सूरदास जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि गोपियाँ क्या करने लगी कि हम धैर्य कैसे धारण करें, हमारी मर्यादा ही नहीं रही, हम अपनी सामाजिक मर्यादा को भी कृष्ण प्रेम में क्या कर दिए, खो दिए। अब तीसरे पद में हम आते हैं, हमारे हरि हारी की लकड़ी। यहाँ हारी जो है एक पक्षी है, और वो पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी लिए रहती है जो कभी छोड़ती ही नहीं है। तो गोपियाँ अपने प्रेम की तुलना उसी लकड़ी से की हुई है,
और ये बताती है कि हमारे हरी हारी की लकड़ी, जिस तरह से वह पक्षी उस तिनके को, उस लकड़ी को नहीं छोड़ती है, उसी तरह से हम जो है सो उस प्रेम को नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे लिए वो क्या है? हारी की लकड़ी है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने क्या किया है कि हमारे मन कर्म और वचन में, हमारे मन कर्म और वचन ने इसको क्या किया है, पकड़ रखा है। हम मन से कृष्ण का मनन करती हैं, हमारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं और सदैव कृष्ण के बारे में ही हम बात करते हैं। यहाँ यही कहा गया है कि मन क्रम वचन नंदन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ बताया गया है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। हम जब जागते हैं तो भी, सोते हैं तो भी, दिन में भी रात में भी क्या करते हैं, कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। चारों पहर क्या होता है, हमें कृष्ण की याद रहती है, हम उन्हीं को याद करते हैं। यहाँ बताया गया है कि सुनत जोग लागत है ऐशो ज्यों कर्मी ककरी। यहाँ बताया गया है कि हे उद्धव, ये तुम जो निर्गुण उपासना की बात बता रहे हो ना, जो निर्गुण उपासना की बात कह रहे हो, वह कैसे लगता है? जिस प्रकार कड़वी ककड़ी लगती है, सुनत जोग लागत है ऐशो, तुम्हारे उपदेश ऐसे लगते हैं ज्यों कड़वी ककड़ी। जिस तरह से ककड़ी जो होती है, कड़वी ककड़ी होती है, जिस प्रकार लगती है, जिस तरह से उसका स्वाद होता है और उसको कोई चखता भी नहीं है, वैसे ही तुम्हारी बातें सुन सुन करके हमें लग रही हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। इसलिए यह व्याधि जो है हमको न सुनाओ, सूत व्याधि हमको ले आए, इसलिए यह बाधा जो है, व्याधि जो है वो हमें न सुनाओ, देखी सुनी न करी, हम इसको देखना सुनना पसंद नहीं करेंगे। यह तो सूर तिनही ले सौ को जिनके मन चक्री, और यह उन्हें सुनाओ, यह साधना का संदेश उन्हें दो जिनका मन क्या है, जिनके मन चक्री, जिनका मन उस चक्र के समान है, जो चक्र क्या होता है, कभी रुकता ही नहीं है, नाचते रहता है। यानी यह संदेश उन्हें दो जिनका मन स्थिर नहीं रहता हो। तो ये जो है आपके सूरदास द्वारा रचित पद दूसरा और तीसरा आप लोगों को बताए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, उसमें चौथा पद समझाया जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।